नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। अलीगढ़ में बाइक और 1 लाख रुपए के लिए विवाहिता को घर से निकाला, पति समेत 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अमरोहा में प्रेम विवाह करने वाली युवती की सरेआम पिटाई, पुलिस ने बमुश्किल पहुंचाया प्रेमी के घर, परिजन थे नाराज। हाथरस CDO ने की समीक्षा, ग्राम प्रधान कराएं 50 कुंतल भूसा दान, एक दिन का वेतन दें अधिकारी और कर्मचारी। चौकीदार पिटाई प्रकरण, SC ST आयोग ने बरेली के SSP से मांगी रिपोर्ट, अब तक की ये बड़ी कार्रवाई। रामपुर में पानी में डूबी व्यवस्था, स्कूल नहीं घर में पढ़ रहे बच्चे, परिसर में उठ रही बदबू से छात्र परेशान। जौनपुर में दवा लेकर पैदल जा रहा शख्स, अज्ञात वाहन की ठोकर से हुआ घायल, अस्पताल में तोड़ा दम। सहजानपुर में कलेक्टर के सामने बीच सड़क पर कुर्सी डालकर बैठे वकील, पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। वाराणसी में रेत से बना EVM, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए छात्र ने बनाई आकृति। आगरा में पारा 46.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा, लू का खतरा बढ़ा, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। मथुरा के बरसाना में पति की आंखों के सामने तड़प तड़प कर गई जान, बीच सड़क पर चीखती चिल्लाती रही पत्नी, किसी ने भी नहीं की मदद। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक सोसाइटी में लगी आग, 4 फ्लैट में फैली लपटों पर काबू पाने की कोशिश। मथुरा स्कूल में चारपाई डालकर सो रही थी प्रधानाध्यापिका, तभी पहुंच गए BSA, हुई कार्रवाई। संभल में पत्नी गई थी मायके, तभी आधमकी प्रेमिका, हंगामा बढ़ने के बाद पहुंच गई पुलिस, भागा भागा फिरता रहा प्रेमी। बरेली के हाईवे पर डिवाइडर से टकराई एम्बुलेंस, रामपुर निवासी मरीज समेत 4 लोग घायल। एटा में बाइक सवार को बचाने में लोडर वाहन पलटा, 3 की थमी सांस है, 3 घायल। अमरोहा में बड़ा हादसा, हाईवे पर खड़े डंपर में घुसी रोडवेज बस के उड़ गए पर कच्चे, 7 यात्री घायल। यमुनोत्री दर्शन के लिए गई रिटायर बैंक मैनेजर की पत्नी, फिर न लौट सकी, मंदिर के गेट पर थम गई सांसें। हाथरस में ज्वेलर्स के यहां से लाखों के जेवरात ले गई महिलाएं, CCTV में कैद हुई घटना। ये थी आज तक की बड़ी प्रमुख खबरें। बनवारीलाल कुशवाहा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।